शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आए दिन शहर में हत्याओं की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ लगातार जारी है, लेकिन आकस्मिक विवाद में होने वाली वारदातों को रोक पाना मुश्किल है। इन वारदातों ने पुलिस विभाग का टेंशन और बढ़ा दिया है। बुधवार की शाम भी सकरदरा थाना क्षेत्र में एक युवक की अपने दोस्त ने हत्या कर दी थी, जिसे पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी आशीर्वाद नगर निवासी आशीष उमेद जोत बताया गया। मृतक की पहचान अमोल शेलार के रूप में हुई थी। आशीष पर पहले भी 2 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। वह ऑटो चलाता था। अमोल और वह अच्छे दोस्त थे। बुधवार की शाम दोनों में शराब की दुकान से बोतल खरीदी और आशीर्वाद नगर के त्रिकोणी गार्डन के पास दोनों ने साथ बैठकर शराब पी। नशा ज्यादा होने के बाद दोनों के बीच विवाद होने लगा। काफी देर तक एक दूसरे को गाली गलौज करते रहे। लोगों ने शराबियों का विवाद होने के कारण झगड़े को नजरअंदाज किया। इस दौरान आशीष ने गुप्ती निकालकर अमोल के पेट में घोंप दी। अमोल वही बेहोश होकर गिर गया। आशीष अपना ऑटो लेकर फरार हो गया। स्थानीय नागरिकों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। खबर मिलते ही सकरदरा के PI सत्यवान माने अपने दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन खून अधिक बहने और अंदरूनी घाव लगने के कारण अमोल की मौत हो गई। पुलिस द्वारा आरोपी की खोज शुरू थी। सकरदरा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को खोज गिरफ्तार किया। हमारे पास सायंकाळी 5 वाजले सुमार आपल्याला नियंत्रण कक्षाकडून माहिती मिळाली की आशीष ज्योत यांना त्याचाच मित्र शेलार म्हणून आहे त्याला चाकूने मारलेला आहे, त्याला हॉस्पिटलला गेलेला आहे। त्याप्रमाणे आम्ही हॉस्पिटलला गेलो, घटनास्थळी गेलो, तर अशी माहिती मिळाली की आशीष ज्योत आणि अमोल शेलार हे एकमेकाचे मित्र आहेत। खास एकाच एरियात एकाच वस्तीत राहणार आहेत, आशीर्वाद नगरी एरिया। आणि ते दुपारपासून ते दोघंही दारू पिण्याची सवय जे आहे, दुपारपासून ते एकत्र दारू पित होते आणि दारू का पाजली नाही म्हणून मृतकाला जोडने याने शेलरला त्याच्याकडे असलेले चाकूने वार करून जखमी केले। ते हॉस्पिटलला घेऊन गेले असता डॉक्टरांनी तपासून ते त्यास मृत घोषित केले। त्यावरून आपण मर्डरचा गुन्हा दाखल केलेला आहे। सदर गुन्ह्यातील आरोपी त्याला आपण अटक केलेली आहे आणि पुढचा तपास त्याला रिमांड घेऊन पुढचा तपास करत आहोत। यामध्ये अटक आरोपी आणि मृतक हे दोघे खास मित्र होते, एकाच वस्तीत राहणारे होते आणि ते चालक ड्रायव्हर म्हणून काम करत होते। जसे भाडे मिळेल त्या गाडीवरती ड्रायव्हर म्हणून जाणं असं काम करत होते। यामध्ये मृतकावरती सुमारे 10 वर्षापूर्वीचा एक गुन्हा दाखल आहे रॉबरीचा आणि आरोपीवरती 16 मधला एक गुन्हा दाखल आहे की त्याच्या चुलत भावाला त्याने मारलं होतं, त्याप्रमाणे मृतक आरोपीवरती गुन्हा दाखल आहे। आए दिन शहर में हत्याओं का सिलसिला बढ़ रहा है। इस पर किस तरह से पुलिस विभाग द्वारा रोक लगाई जाती है, ये तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।